बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। इचका का दाम है ऑल उचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मन पसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर चल देता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती बैठी रही। फिर उसने पूछा, बेटा ये खिलौने तुमने कितने में लिए? दो पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलना होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने यह फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सुथनी इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंडा पहुंचा। हमें दो, हमें दो। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो गया। हाँ हाँ, सबको दूंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। बाबूजी, इनका असली दाम 3 पैसे ही है। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। अच्छा अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है,
जल्दी से दो मुरलियां निकाल दो। दो मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, यही लो यही लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, यही। अच्छा यही लो, पैसे नहीं है। अच्छा यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल कर रखी थी। तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे, तुम्हारी माँ के पास नहीं है। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ कितने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का यह स्वर परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, वृद्धा दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। ए मिठाई वाले, इधर आना। माँ, कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती हैं। कितनी दूं? पैसे की 16 देता हूं। 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूं। यह अब मैं आपको क्या, खैर मैं अधिक तो ना दे सकूंगा। दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी। मिलता तो क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ, संतोष और धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर जाना होगा, मैं और भी मिठाई ले लूंगी। मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, सुख संपत्ति थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला अब कोई नहीं है, प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, देखा
उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयां भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज गूंजने लगी। बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।